आइए एक और शायर से मुलाकात करते हैं, और मैं गुजारिश करने जा रहा हूं एक शायर से, लेकिन उससे कबल ये चार मिसरे पढ़ता हूं कि उम्मीद नहीं मरहले यास नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है, क्या जानिए ये कौन सी मंजिल है जुनू की, हम मिट तो रहे हैं मगर एहसास नहीं है। आइए जनाब काविश करीम आबादी को आवाज दूं और उनसे गुजारिश करूं कि खूबसूरत लहजे में, अपने मुनफरिद अंदाज में, अपने कलाम की खुशबू के साथ हमारी आज की महफिल को मुअत्तर भी करें और कामयाबी के मंजिल के करीब लेकर चलें। जनाब काविश करीम आबादी। सदर बावकार, नाजिम मुशायरा, डाइस पे जलवा फरोज, शोराए किराम, मौजूद सामिन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आइए हजरात, मैं हालात हाजरा पे एक नज़्म पेश करता हूँ, बतर खास मुलाजा करेंगे। आप हजरात अच्छा लगे तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, बतर खास पेश करता हूँ, देखेंगे। सब लोग सुन रहे हैं तवज्जो। कि मोहब्बत और खुवत का, मोहब्बत और खुवत का दिया पैगाम दुनिया में, मोहब्बत और खुवत का दिया पैगाम दुनिया में, मोहब्बत और खुवत का मोहब्बत और खुवत का दिया पैगाम दुनिया में, सदा का इम रहेगा मज़हबे इस्लाम दुनिया में, सदा का इम रहेगा मज़हबे इस्लाम दुनिया में। और हज़रात बंद मुलाजा करेंगे, तारीख की रोशनी में पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि हम ही ने बहर अस्वद का कलेजा चाक कर डाला, लबे साहिल जला कर कश्तियों को राख कर डाला। देखेंगे हजरात बहुत ही प्यारा ये बंद है कि जराएं की न हो सत से जमी को पाक कर डाला, और जहां में आम हर सो मशाले ईद राख कर डाला, और किया रोशन हमने ओ शन हमने औरतों का नाम दुनिया में, सदा का इम रहेगा मज़हबे इस्लाम दुनिया में। और हजरात हमारी इफ्तिखार अहमद साहब के हवाले से ये बंद पेश करता हूँ, जिनके तवस्सुल से मेरी यह हाजिरी हुई है, बैंक मैनेजर है, बतौर खास मुलाजा करेंगे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कि नजर उठती नहीं है अब किसी मुफलिस के फाकों पर, फकत वादों की है भरमा रुपस्मदा इलाकों पर, सियासत आज कल होने लगी है सेहत इलाकों पर, कवानी ने वतन रखे हुए हैं जैसे ताकों पर, और नई साजिश रची जाते नई साजिश रची जाती है सुबह शाम दुनिया में, सदा का इम रहेगा मज़हबे इस्लाम दुनिया में। और हजरात ये अलीगढ़ का जो वाकया है जहन में रखे, बतौर खास मुलाजा करेंगे कि अली जिन्नाह की तस्वीर तो बस एक बहाना है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
पे ये सीधा निशाना है, समझ में कुछ नहीं आता कि ये कैसा जमाना है। किसी की जान लेनी है, किसी का घर जलाना है, और इसी का नाम है शायद, इसी का नाम है शायद, किस देकाम दुनिया में सदा कायम रहेगा मजहब इस्लाम दुनिया में। और अभी देखा आपने के लाल किला को भेज दिया गया, और कभी ताजमहल पे उंगली उठाई जाती है, बतौर खास मराजा करेंगे बंद कि ये अरबा बेहुकूमत कैसे कैसे गुल खिलाते हैं, ये अरबाब हुकूमत कैसे कैसे गुल खिलाते हैं। नकीब हिंदुस्तान नदीम फरूख साहब के हवाले से ये बंद पेश करता हूँ कि ये अरबाब हुकूमत कैसे कैसे गुल खिलाते हैं, मोहब्बत की निशानी ताज पे उंगली उठाते हैं, कभी शाही किला को बेच कर दौलत कमाते हैं, हमारे मुल्क की तहजीब मिट्टी में मिलाते हैं, हमारा मुल्क यूं हो जा हमारा मुल्क यूं हो जा सदा कायम रहेगा मज़हबे इस्लाम दुनिया में। हजरत अभी आपने सरामीर के हालात देखे, बतौर खास मुलाजा करेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पाक दीन पे तंज करते हैं, और अजानों की सदाएं आफरी पे तंज करते हैं, और मुसलमानों की नूरानी जबी पे तंज करते हैं, कभी महबूब रब्बुल आलमी पे तंज करते हैं, कभी महबूब रब्बुल आलमी पे तंज करते हैं, उन्हीं को मिल रहा है जो कलाम दुनिया में सदा कायम रहेगा मजहब इस्लाम दुनिया में। आखिरी बंद पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, बतौर खास मुलाजा करेंगे। ये बंद मैं जियाउद्दीन खान साहब के हवाले से पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि ये जब चाहे मजारों को बना देते हैं बुतखाना, और हकीकत चीज को गढ़ कर बना देते हैं अफसाना, अब बना डाले कभी उन्ना और कठुआ को वीराना, नमाजों के है पीछे आज कल सरकार हरियाणा, नमाजों के है पीछे आज कल सरकार हरियाणा, अब बहुत दिन तक नहीं चल पा बहुत तक नहीं चल पाएंगे ये काम दुनिया में सदा कायम रहेगा मज़हब इस्लाम दुनिया में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब काविश करीम आबादी साहब, बड़ी खूबसूरत नज़्म थी, लेकिन मज़ामीन की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो तमाम सवालात सच्चे हैं और वो सवालात एक शायर कर सकता है, उसका जो बागी तेवर है वो जो नाहमवारियों को देखता है तो उनका जिक्र अपनी शायरी में करता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस मुशायरे में जो जिस कलाम को उन्होंने पढ़ा है, यकीनन वो नज़्म उनकी बहुत ही खूबसूरत नज़्म है, मैंने तो यूँ ही अज़राए मज़ाक ये बात कही
کہ تھوڑا سا آپ کے چہرے بھی شگفتہ ہو جائیں۔ مشاعرے میں میرے پاس دو تین سینئر شعرا کے نام ہیں جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ جناب منظر بھوپالی صاحب کو ہمیں سننا ہے، جناب نعیم اختر خادمی صاحب کو ہمیں سننا ہے، استاد الشعرا جناب ڈاکٹر بشر عثمانی صاحب کا کلام ہمیں سننا